एक्टिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं सुनील यादव आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारा पेपर होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको शॉर्ट रूप में मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमने प्रत्येक यूनिट में से 5 प्रश्न को लिया है, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 यूनिट होती है और उन 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से हमने 5 प्रश्न लिया है, यानी एक यूनिट में से 5 प्रश्न है। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट के रूप में भी आपको मैं प्रश्न समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर यूनिट फर्स्ट पर, कंप्यूटर की विशेषता और सीमा पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर यूनिट 1 में से बनता है। अब कंप्यूटर की विशेषता देखिए, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर हर जगह उपयोग में होने वाली चीज़ बन गई है। आप चाहें तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म से भी इसकी विशेषता लिख सकते हैं, जैसे कॉमनली यानी सर्वव्यापी, ठीक है। कंप्यूटर का जो सी होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमनली, यानी कि सभी जगह सर्वव्यापी, या फिर सार्वभौमिकता, यानी कि सभी क्षेत्र पर उसको यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग यानी कि एक प्रकार से चलाने लायक यंत्र ये होता है। और इसका नॉर्मल विशेषता यदि हम बात करें तो देखिए क्या है, मैं हर प्रश्न को यदि समझाने की कोशिश करूँगा तो हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट रूप में समझाता हूँ। इसकी 2 या 3 विशेषता बताता हूँ। एक तो सर्वव्यापी या सार्वभौमिकता, यानी हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, एक विशेषता इसकी हो गई। सेकंड, गति, कंप्यूटर मानव की अपेक्षा तीव्रता से काम करता है, 2 विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता ये होती है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो समय रहता है, गति ज़्यादा होगी तो समय भी कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी शुद्धता, यानी कि जो कैलकुलेशन करता है वो बिल्कुल राइट कैलकुलेशन करता है, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती। अशुद्धियाँ किस कंडीशन में होगी, जब हमारे द्वारा गलत कमांड्स दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम बात करें कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, पहले कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती है हमारी। अब क्या होता है कि पहली प्रथम पीढ़ी 1946 से 1956 तक होती है। अब इसमें जो तकनीकी आई थी वो आई थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से आपको याद करना है, आपको प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, उसके सन और उसकी टेक्निक, जो भी तकनीक आई थी, जैसे ट्रांजिस्टर, ठीक है, आईसी, वीएलएसआई, तो इस प्रकार से आप उसको पूरी पीढ़ियों को याद करना। अब थर्ड प्रश्न हमारा आता है कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को चित्रित कीजिए। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम सिंपल है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बोले तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ठीक है, कि जैसे कि प्रोग्रामिंग डाटा के थ्रू हम इनपुटिंग करते हैं वो कहाँ पे जाता है, सीपीयू पर। और सीपीयू का जो भाग होता है सीयू, एमयू, एलयू, इनके मध्य आपसी में आदान प्रदान होता है निर्देश। निर्देश आदान प्रदान होने के बाद अंतिम में जो निकलता है वो निकलता है हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको वो लिखना है। उसके बाद फोर्थ आता है कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी से आप क्या समझते हैं। देखिए, मेमोरी 2 प्रकार की होती है हमारी, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती है, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। अब पांचवा प्रश्न बनता है कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, समझाइए। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। अब आकार के आधार पर जो कंप्यूटर हमारे मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, ठीक है, सुपर, ये सभी आकार के आधार पर कंप्यूटर हैं। अब अनुप्रयोग के आधार पर, तो अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, ये होता है एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, और एक होता है उद्देश्य के आधार पर, तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। और भी इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करें यूनिट 2 में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को प्रकार से समझाइए। तो इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होती है हमारी, पहले तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को जिससे हम निर्देश देते हैं, जैसे लाइक
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सॉरी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आउटपुट डिवाइस को प्रकार से समझाइए, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अंतर आप पढ़ लीजिएगा। अब प्रिंटर तथा उसके प्रकारों को समझाइए। अब प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहता है, उसको हार्ड कॉपी यदि हमें प्राप्त करना रहता है तो वो हम डायरेक्ट प्रिंटर के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। प्रकार इंकजेट, डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, ये सभी इसके प्रकार हैं। मॉनिटर की विशेषता लिखी है। अब मॉनिटर हम देखिए, मॉनिटर क्या है, पहले के टाइम पे मॉनिटर चलते थे, अब एलसीडी आ गई उनकी जगह पर। तो अब जो एलसीडी आई है या मॉनिटर है, अब इनका जो डिस्प्ले का निर्माण होता है, यानी डिस्प्ले जो ग्राफिक्स हमें दिखते हैं, अब ग्राफिक्स फाइल जो बनती है वो बनती है पिक्सल के द्वारा, ठीक है। यानी डेस्कटॉप का सबसे छोटा बिंदु हमारा पिक्सल होता है। अब पिक्सल के द्वारा जब हमारी छोटे छोटे पिक्सल से हमारे डेस्कटॉप या ग्राफिकल फाइल बनती है तो उसकी गुणवत्ता, कम पिक्सल्स रहेंगे तो कम गुणवत्ता होगी, ज़्यादा पिक्सल्स रहेंगे तो ज़्यादा गुणवत्ता होगी, ठीक उसी प्रकार से इसकी और भी बहुत सारी विशेषता है। अब विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड्स को लिखिए एवं समझाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पर आता है। अब विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड्स, तो देखिए ये भी मॉनिटर से संबंधित है, जो कि हमारा VGA, VGA केबल होता है और SVG होता है, ठीक है। तो ये सारे केबल्स हमारे होते हैं जो कि अलग अलग गुणवत्ता के साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यूनिट 3 में से पहला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रकार सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामों का समूह होता है या प्रोग्राम्स होते हैं, पहली कंडीशन। अब इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताते हुए प्रकार, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सीधा सा उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारा चालू होता है। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, जैसे कि टैली, फोटोशॉप, कोरलटा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इत्यादि, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आता है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर को विस्तार से समझाइए। अब देखिए ये क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज होती है, उनका आपस में कन्वर्ट करके ये विद्युत संकेतों में चेंज करते हैं, इसको और विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। अब ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एवं मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। अब स्टोरेज की बात आ रही, तो अब स्टोरेज का मतलब यही समझ लीजिए आप, एक संग्रहण, ठीक है, कि किस प्रकार से संग्रहण कर सकते हैं, तो दो अलग अलग प्रकार से संग्रहण है, आप इसको और विस्तार से पढ़ लीजिएगा। विभिन्न स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। अब स्टोरेज डिवाइस वही डिवाइस हमारी होती है जो कि कंप्यूटर में जो डाटा रहता है उस डाटा को किसी अन्य डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं, कंप्यूटर का हुआ या मोबाइल का हुआ, ऐसा कोई सा भी डाटा जो वैद्युतिक रूप में रहता है या डिजिटल रूप में रहता है उसको स्टोर करके रखना रहता है, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD इत्यादि, ये सभी हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एक दूसरे से कैसे भिन्न है, यानी कि इसके अंतर की बात की गई, यानी असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर लिखिए। उसके बाद चौथी यूनिट का पहला प्रश्न आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य तथा प्रकारों को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने सॉफ्टवेयर्स में बात करी थी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होता है वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाता है। यदि आपके पास पूरा ही कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है, यानी कि आपके पास पूरे सिस्टम है, LCD है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, लेकिन यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यदि इंस्टॉल नहीं है, डला हुआ नहीं है, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। अब इसके लिए क्या होता है कि जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पर नंबर सिस्टम क्या है, संक्षेप में विभिन्न नंबर सिस्टम के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए नंबर सिस्टम का सीधा अर्थ है हमारा बाइनरी नंबर से, यहाँ पर पूछा गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लीजिए। अब निम्न की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा, निम्न की व्याख्या कीजिए। अब ये जो प्रश्न है ASCII, अब इस प्रश्न को जो है यूनिट 4 का ऑपरेटिंग सिस्टम के, सॉरी नंबरिंग सिस्टम के साथ ही दिया गया। अब इसी के साथ एक और हमारा प्रश्न है EBCDIC को समझाइए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि जो नंबरिंग सिस्टम हमारे रहते हैं, उस नंबरिंग सिस्टम में क्या है, अलग अलग कंडीशन से लागू होती है। कंडीशन कैसे लागू होती है कि कुछ तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करने के लिए होता है और कुछ होता है हमारे लैंग्वेजेस को नियंत्रण करने के लिए। तो जो लैंग्वेजेस होती है
उनमें क्या होता है कि बाइनरी नंबर्स का यूज़ ज़्यादा होता है, तो बाइनरी नंबर्स को क्रियान्वित करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब जैसे कि जो ये फर्स्ट में दे रखा है ASCII, तो जो ASCII है इसका जो रोल होता है हमारा, सीधा सा मतलब ये है कि पहले तो इसका अर्थ समझिए। फुल फॉर्म उसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कंप्यूटर ना सिर्फ अंक बल्कि अक्षर यानी कुछ सिंबल्स को भी प्रोग्रामिंग के उद्देश्य में समझता है, यानी इंटरप्रेट है। लेकिन यहाँ भी कि वहाँ प्रत्येक करेक्टर को प्रथम 0 और 1 के रूप में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक इंटरचेंज सिस्टम है, ठीक है, और इसके बारे में बेहतर से बेहतर आप समझ लेना। अब फुल फॉर्म बता देते हैं हम आपको, EBCDIC, इसका फुल फॉर्म है एक्सेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि वही डेसिमल पद्धति से समतुल्य बाइनरी अंक में परिवर्तन करना ही इसका पूरा सिस्टम्स होता है। इसके बाद यहाँ पर यूनिट 4 का चौथा प्रश्न हमारा ये है कि इनको निम्न को रूपांतरित करिए। देखिए, ये आपको सेल्फ करना होगा, इसको समझाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपको पता ही है, मशीन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका लैंग्वेज होता है। अब जो हाई लेवल भाषा रहती है, यहाँ क्रमबद्ध तरीके की भाषा होती है, प्रोग्रामिंग भाषा की हम बात करें, जिसमें प्रोग्रामर को हर पद के लिए निर्देश लिखना पड़ता है जिससे वांछित परिणाम मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें नतीजे कैसे आएंगे यहाँ बताना पड़ता है। अब चौथी जनरेशन की भी भाषा होती है लैंग्वेज हमारी, अब इसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता को यहाँ बताना पड़ता है कि उसे क्या नतीजे चाहिए, ना कि कैसे चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा पढ़ना रहेगा। यूनिट 5 में से जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो पहला प्रश्न बनता है टोपोलॉजी क्या है, सचित्र व्याख्या कीजिए। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये हर साल आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साल भी आए, पर इसलिए हमने इसको इम्पोर्टेंट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टोपोलॉजी होती है, पहली कंडीशन तो कि ये समझ लीजिए आप कि नेटवर्क में जुड़े विभिन्न घटकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है, यानी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए अनेक घटक जो रहते हैं उन्हें टोपोलॉजी कहा जाता है। अब टोपोलॉजी क्या है, मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, रिंग, बस, मेस और स्टार टोपोलॉजी। इसके नाम आपको याद रखना और इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेटवर्क के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। देखिए, नेटवर्क के प्रकार मुख्य रूप से 3 है, लैन, मैन, वैन, ये हमारे नेटवर्क होते हैं। अब इनका फुल फॉर्म जैसे फर्स्ट में आता है लैन, तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो लैन होता है ये समझ लीजिए कि यहाँ सबसे छोटा नेटवर्क है। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी पर रख सकते हैं। उसके बाद जो मैन होता है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक शहर या छोटे क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है। यहाँ सामान्यतः जो इसकी दूरी होती है 60 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में चलता है। उसके बाद वैन की हम बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है कि इसकी जो सीमा होती है विश्व भर में कहीं पर भी हो सकती है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक 3 यूनिट 5 का, डाटा ट्रांसमिशन क्या है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स तथा फुल डुप्लेक्स को समझाइए। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि डाटा कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक संकेतों द्वारा, ये समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है, ठीक है, यानी जो डाटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संकेतों से एक से दूसरी जगह भेजा जाता है। उसके बाद सिंप्लेक्स की यदि हम बात करें, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स की, सिंप्लेक्स मोड की, तो इस प्रकार के जो तरीके होते हैं डाटा सिर्फ एक दिशा में जाता है, यानी कि इससे क्या होता है कि सिर्फ डाटा जाता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि जो सिंप्लेक्स तरीके का प्रयोग होता है वहाँ या तो डाटा को भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है, दोनों तरफ से संकेतों का आदान प्रदान नहीं होता है इसमें, एक बात ध्यान रखना है। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक दिशा से संकेत भेजने के बाद दूसरी ओर के व्यक्ति को जब तक संकेत प्राप्त नहीं होते तब तक वो अन्य दिशा के व्यक्ति को संकेत नहीं भेज सकता है। अब फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि दोनों ओर संकेतों का आदान प्रदान एक साथ हो सकता है, ठीक है, वही डाटा ट्रांसमिशन या डाटा कम्युनिकेशन वही होता है। सिंपल सा कि भैया डाटा को विद्युत संकेतों में भेजना
सिंप्लेक्स में ये होगा कि केवल एक तरफ से भेज सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स में होगा दोनों तरफ से भेज सकते हैं लेकिन एक के बाद एक भेज सकते हैं, फुल डुप्लेक्स में होगा दोनों तरफ से एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा बनता है कि विभिन्न नेटवर्क कंपोनेंट्स को समझाइए। अब देखिए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए होते हैं ये, आप और इसके बारे में पढ़ लीजिए। अब पांचवा प्रश्न हमारा बनता है कंप्यूटर वायरस के प्रकार सही को प्रकार सही समझाइए। अब कंप्यूटर वायरस की यहाँ पर बात हो रही है, वायरस का सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा संक्रमण रोग जिस प्रकार से आपके शरीर में कोई वायरस आता है, वायरस में सबसे पहले नाम आएगा कोरोना वायरस, आपके शरीर में पहुंचता है, आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, करप्ट करता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी यदि वायरस आते हैं तो वो भी कंप्यूटर की बॉडी यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को प्रोवाइड करते हैं और उनको करप्ट करते हैं या आपकी फाइल्स को करप्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि वायरस संक्रमण से फैलता है, ये पूरा का पूरा वायरस संक्रमण से फैलता है ना, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं अवांछित रूप से। इसके प्रकार को और अधिक आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, और मैं आशा करता हूं कि आपको यहां वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि इस वीडियो पर मुझे परफेक्ट रिजल्ट आता है लाइक्स सब्सक्राइब्स और व्यूज़ का, तो मैं अन्य जो हमारे सब्जेक्ट हैं पीसी पैकेज, एमएस एक्सेस, पीजीडीसीए के सब्जेक्ट, मल्टीमीडिया, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, ये सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।